जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये देवसेना साड़ी है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो इसी चैनल पर मैंने अपलोड किया हुआ है। अब ये एक पैटर्न हो गया, ये देवसेना साड़ी। अब इसी को यहाँ से हम नीचे से पकड़ेंगे और ये वाली बॉर्डर। अब इसके पीछे हमें इसे फोल्ड कर देना है, इस तरह से प्लीट ले लेनी है, फोल्ड कर देना है और ये वाला भाग यहाँ पर इसे टक कर देना है। अब ये पैटर्न जो हुआ ये ब्राह्मणी साड़ी का हो गया। अब इस प्लीट को यहाँ से निकालना है हमें, बस इतना ही। इस बॉर्डर को पीछे की ओर फोल्ड कर देना है और इसे फिर से टक कर देना है। ये पैटर्न पेशवाई हो गया। अब जो ये वाला भाग है इसे हमने, ये इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ से हमने इसे पकड़ा कॉर्नर से, इस कॉर्नर से हम अंदर चले गए लगभग 10-12 इंच और इस तरह हमने इसे लगा दिया। इसके बाद इस बॉर्डर को हमने सीधा कर लिया ये पैटर्न कोल्हापुरी हो जाता है। अब यदि आप चाहें तो इस तरह से इसे रख कर यहाँ पर आप पिन भी लगा सकते हैं ताकि ये इसी तरह से बना रहे। अब इसी प्लीट को हम इस तरह से, ये हमने फोल्ड किया एक बार क्रॉस में। अब जो बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी सी सेफ्टी पिन आती है उसे हमें यूज़ करना है। इस तरह से हमने लगा ली, फिर से हमने इसे जिगजैग में फोल्ड किया, फिर से हमने पिन लगा ली। बॉर्डर तक ही हमें इसे लेना है। यहाँ मैंने थोड़ा आगे से लिया है क्योंकि अभी छोटी हो जाएगी बॉर्डर। अब ये वाला जो भाग है इसके पीछे से हमें इसे ले लेना है। डब्बे बस इसी की हमें जिगजैग बना लेनी है थोड़ी ऊपर तक।
तीन चार और बना लेनी है ताकि ऊपर तक पहुंच जाए, क्योंकि कोल्हापुरी ओचा हमने हटा दिया है और अब हम इसे बिल्कुल सीधा ही लगाएंगे। पिन लगा लेनी चाहिए कि यहाँ पर,